हेलो सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम ऑन दैट। हमने लास्ट लेक्चर्स में दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखी थी। दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या थी? नंबर वन, मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दूसरा, हमने ये देखा इफ मोड ऑफ एक्स इक्वल टू के, देन एक्स इक्वल टू प्लस के आर माइनस के। ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखा है, ठीक है, और इनके ऊपर हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। अब मैं आपको इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज बताता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होगा? वो ये है कि एक्स स्क्वेयर और मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर ये सेम होंगे। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर दोनों सेम है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि वी कैन रिप्लेस एक्स स्क्वेयर बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर वी कैन रिप्लेस बाई एक्स स्क्वेयर एज नीड। जैसा जैसा हमको इसको जहां जहां रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपने इसको प्रॉपरली रिप्लेस कर लिया तो वो इक्वेशन बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये दोनों सेम कैसे उसको देखते हैं। ये मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर भी नॉन नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वेयर को देखते हैं, एक्स स्क्वेयर भी नॉन नेगेटिव होगा, ये नॉन नेगेटिव, तो एक्स स्क्वेयर भी नॉन नेगेटिव है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर भी नॉन नेगेटिव है, तो इसीलिए एक्स स्क्वेयर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर दोनों सेम होंगे। तो आपको ये अगर रिप्लेस कर लिया ना तो इक्वेशन बहुत करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे उसको देखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम ऐसा आता है, सॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या सर? ये तो 10th क्लास का ही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली ये 10th क्लास का ही प्रॉब्लम है। और इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, माइंड इट, ओके, एंड वी सॉल्व इट एज लाइक एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री। तो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके मैक्सिमम दो रूट्स आए, एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। 10th क्लास का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? अब ये दूसरा प्रॉब्लम, अगर इसी को मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब जब हम इसको इस वे में सॉल्व करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स नहीं है बल्कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मॉड ऑफ एक्स है। मॉड ऑफ एक्स कैसे कि ये एक्स स्क्वेयर ना, ये एक्स स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखा ऐसे ही रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो जस्ट एक्स स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हो गया। और अब ये फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू और ये मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब हम दैट क्लियर होगी बात, ये एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये दो फैक्टर्स मिलेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से फिर दो बातें होगी, एक्स इक्वल टू टू या एक्स इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, ऐसे टोटल इसके फोर रूट्स मिले, फोर सॉल्यूशन। जबकि पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था सिंपली एक्स में उसके दो सॉल्यूशन थे, जबकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोड ऑफ एक्स में इसके फोर सॉल्यूशंस मिले। अभी आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि ये प्रॉब्लम आसान हो गया जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया कि एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो अब यहाँ कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फोर हो गए, फिर सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ
दिस इक्वेशन, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सम, +2 -2 +3 -3, सबको सम कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल रूट्स, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। सबको ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आंसर जीरो है। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑल रूट्स। पहला तो क्वेश्चन बना था नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है, तो ये 4 सॉल्यूशन आ गए। फिर यहाँ पे सम ऑफ ऑल रूट्स हो गया। आई होप दैट यहाँ तक की ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी, बस अब इसका प्रैक्टिस करना है। तो हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा इसको इस वे में लेते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x + 4 = 0। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x + 4 = 0। 4 के फैक्टर्स हो गए मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 = 0। ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 4। यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 भी आएगा और माइनस 1, और यहाँ से एक्स इक्वल टू 4 आएगा और एक्स इक्वल टू माइनस 4। तो ये 4 रूट्स हो गए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसके 4 सॉल्यूशंस मिले। अगर इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 = 0 कर दिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 = 0। तो ये प्लस हो गया, वही के वही चेंज कर रहे हैं हम, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से जो फैक्टर्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जब मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 आ गया, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 4 आ गया, तो ये तो ये वाली प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। ये प्रॉपर्टी बोलता है ये मॉडुलस ऑलवेज नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये दोनों केस रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट होने का ये मतलब है कि यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो रूट्स, कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ओके, इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 = 0। सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे, मोड ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर 5 मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 = 0। तो इसको सिंपली ऐसे लिख दो, प्लस 6 = 0, वेयर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो यहाँ से ये मिलेगा y माइनस 2 और ये हो जाएगा y माइनस 3 = 0। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x माइनस 1 2 हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2, यहाँ से x माइनस 1 3 हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 2, x माइनस 1 माइनस 2, ये है x माइनस 1 इक्वल टू 3, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से पहला वाला x इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x यहाँ से मिलेगा 3, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से x मिलेगा माइनस 1, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 3, यहाँ से x मिलेगा 4, फिर x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 है। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, तो ये क्या था, ये इस प्रकार से था, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो दो चीजें यहाँ से आई थी, x माइनस 1 3, x माइनस 1 माइनस 3, करेक्ट है। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 मिला और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2। ये इतने सॉल्यूशन मिले, इसके और सॉल्यूशन मिले, और अगर सम ऑफ रूट्स निकालना है तो 3 माइनस 1 ये +2 हो जाएगा, +4 +6,
प्लस सिक्स, यहाँ से टोटल सम फोर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हमने देखा फोर आया और उनका सम भी फोर आया, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रॉपर्टी मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, मतलब वी कैन रिप्लेस दिस एक्स स्क्वेयर बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर एज नीडेड, सो दैट वो जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो बहुत आसानी से और करेक्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।